भाई हमने 30 शहर बोला था, ऑलरेडी 2 शहर एक्स्ट्रा हो गए अपने मैप के अलावा। मुंबई टू गोवा के बीच में हमने एक पूना और कोल्हापुर दोनों ऐड कर दिए, और इसके बाद और बहुत सारे शहर आने वाले हैं। भाई आपका अपना हरियागर कहता है ना कि भारत का सबसे बड़ा फूड ट्रिप होने वाला है। जैसा पूना में बोलते हैं कि पढ़ाई एक नंबर है, वैसा हाँ। खाना पूना में सबसे बढ़िया है। अरे वाह, ये मटर का रगड़ा है भाई, जबरदस्त पानी पूरी वाला। मैकडॉनल्ड्स की स्क्रीन पे आपने ऑर्डर किया होगा, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स है, अमेरिकन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आपने स्क्रीन से ऑर्डर किया होगा। हमारे भारत में पूना में एक चाट की दुकान है जहाँ पे आप स्क्रीन से ऑर्डर कर सकते हो। कटाची आमटी है भाई ये, और दाल जैसा रहता है बट स्पाइसी होता है भाई, एक तरह से जैसे ये खांडवी की महाराष्ट्रियन सिस्टर। ये सेव पूरी आ गई है, ये फुल्का आ गया, ये आ गया फुल्का। हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं थ्री इडियट्स की तरह, साथ में कांदा और हरिया धनिया। और हमारा हैप्पी न्यू ईयर ऐसे हुआ, 31st की नाइट हमारी ऐसी बीती है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक लग रही है आपको? पक्की बात है। और भैया वीडियो बना दिया, पेमेंट तो नहीं चाहिए ना? साथ में रस्सा। ओहो, जो मिसल में जो रस्सा होता है ना भाई, ये इडली बैटर है। हाँ, मतलब इसके अंदर स्टफिंग है, स्टफिंग होती है, इडली होती है, हाँ। बेसन होता है, और दो तीन चीजें होते हैं। अच्छा, एंड इन्होंने ही इसे इन्वेंट किया था। अरे भाई क्या बात है, आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, वन पर्सन जिन्होंने स्टार्ट किया। अरे वाह, अभी 5 मिनट पहले बात हो गया था। अच्छा, रील बंद करने का है। अच्छा, क्या हो गया, इसका ऑलरेडी 11 रील है। अच्छा, इसका पे फेसबुक पे रील्स है, ऑल इंडिया में तो चला गया है, हाँ। तो इंडिया भी चला गया। क्या बात, यूएस में गया, इसराइल में गया, 3 जगह पे गया। सही है, इसका ज्यादा रील हो रहा है बहुत। अच्छा, तो नहीं ये रील नहीं है, मैं तो यूट्यूबर हूँ। तो ना एक कार घेऊन असं निघाला है ऑल इंडिया ट्रिप वर, ही कार है आता पुण्याचा कार्यक्रम आपल्याकडे दिला आहे। हमें स्ट्रीट फूड सबसे अच्छा मिलेगा। अच्छा, जो पुणे में मिलेगा ये ओरिजिनल चीज तो मिलेंगे ही मिलेंगी जी। और जो आउट ऑफ पूना जो है, जो पूना में जो मिलता है, हाँ। वो बाकी साउथ इंडियन रेंदो, नॉर्थ इंडियन रेंदो, नॉन वेज रेंदो, वेज रेंदो जी, पूना में सबसे बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। क्या बात है सर, मेरे पास ही नहीं जी, बोल रहा, पूरे पूना में की बात कर रहा हूँ जी, जी, जी। जैसा पूना में बोलते कि पढ़ाई एक नंबर है, वैसा हाँ। खाना पूना में सबसे बढ़िया है। क्या बात, पूना में जैसा खाना मिलता है वो किधर भी नहीं मिलता। दिखाइए सर अपने यहाँ पे जो आप बनाते हैं। इडली सैंडविच करके मेरा फेमस है, इडली सैंडविच। अरे वाह भाई, इडली का सैंडविच बना दिया इन्होंने, और आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज है। ये इडली फ्राई है, फ्राइड इडली है, फ्राइड इडली। अरे वाह क्या बात है, इसके साथ सांबर और चटनी। सांबर चटनी सब आएगा सर जी। मेदू वड़ा भी। अच्छा, मिलेगा। मेदू वड़ा भी है, मेदू वड़ा है, आलू वड़ा है जी, उपमा पोहा है जी, साबूदाना खिचड़ी है, डोसा मिलेगा। गणेश जी हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो आपके सैंडविच में, ये कैसे बनाते थोड़ा दिखाइए। और पीस है अपने पास, मैं आपको दिखाता हूँ। दो इडली रहता है, उसके अंदर वो बटर मसाला रहता है। अच्छा, उसका आलू का मसाला रहता है जी, आलू मसाला डाल के जी उसको पैक कर दे, और उसको तेल के अंदर फ्राई करने को डाल दे। अरे वाह, अभी आप इसको आप इधर लगा सकते हैं जी। ये देखो भाई ये बन रहे हैं इधर, और भैया एक दो बना के दिखाइए। और भाई ये तो पूरा गोंडा जैसा लग रहा है, एकदम बोंडा जैसा, देखने में आलू बोंडा जैसा लगता है, लेकिन खाने में ये बहुत यूनिक है। अरे वाह, इसके आप एक बार खा के देखो जी, फिर बाद में बोलो कैसा है कैसा नहीं। क्या बात है, ये देखो भाई ये एकदम आलू बोंडा जैसा लग रहा है। और भैया एक दो बना के दिखाइए। हाँ भाई साहब, ये देखो इडली उठाई, ये आलू भरा, और ये ऊपर से दूसरी इडली। अरे वाह, ये सैंडविच बन गया। इडली उठाई, ये आलू का मसाला भरा, और ऊपर से दूसरी इडली रखी, और ये आपका सैंडविच तैयार। इसको बेसन का बैटर है जी, उड़ीद वड़े का बैटर है जी, और चावल का बैटर है। अच्छा, तीनों बैटर मिला के उसमें मिर्ची पाउडर, अच्छा, नमक जी, पानी जाता है। अच्छा, और थोड़ा सा हमारा प्राइवेट मसाला जाता है, हमारा खुद का मसाला है। अरे वाह, तो उसमें डाल के जी उसको फ्राई करके निकाल। दिखाइए सर, और ये देखो ये डिपिंग, और भाई कवरिंग, और ये फ्राइंग, कमाल है यार, एकदम नई इन्वेंशन है, ये इनोवेशन है। और भाई ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको पुणे में मिलेगा। इसकी प्लेट कैसे लगाते हैं, और इसके साथ और क्या क्या देते हैं सर? ये जो है इडली सैंडविच करके है जी, सर। जी, ये देखो इसमें सांभर जाता है। अच्छा, इसमें एक रेड कलर का टकल चटनी जाता है। टकल चटनी, टकल, 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 टकल चटनी, उसका क्या मतलब होता है सर? ये साउथ का है सर। अच्छा, टकल चटनी जी, और ये ग्रीन चटनी है साउथ का। अच्छा, ये आप 40 रुपीज पर प्लेट बचता है जी, इसको एक खाए तो भी सफिशियंट होता है। और सर ये आपको आइडिया कैसे आया ऐसा बनाने का? ये मेरे मिसेस ने बनाया। अच्छा, अरे वाह, तो आंटी जी ने बनाया था। अरे वाह, हर आदमी के पीछे एक औरत होनी चाहिए जी, इसी तो अपना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी, देश भी आगे जाए चले जाए। क्या बात है, क्या बात है सर, देश आगे बढ़ेगा और लोग आगे बढ़ेंगे, और ऐसा खाना खा के ना बढ़ेगा इंडिया, और पड़ेगा इंडिया, और खाएगा इंडिया।
बढ़िया। एड्रेस बताइए यहाँ का, क्या लोकेशन है? रास्ता पेट जी, केम हॉस्पिटल अपोजिट। अच्छा, भाजी मंडी है, 50 साल पुरानी भाजी मंडी है। अच्छा, यहाँ पे मेरा स्टॉल है। हाँ। और मेरी सामने शॉप है तिरुपति स्नैक्स करके। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? सुबह 6 बजे चालू हो जाता है जी, शाम में दोपहर में 4 बजे बंद होता है। ये सांभर और चटनी डाल के जबरदस्त है। और अभी और ये जो इडली और आलू का जो बैटर है ना, वो बहुत कमाल लग रहा था यार। ये देखो, ये अंदर इडली और आलू, और ये इसके हमने पीसेस 2-3 तोड़ दिए। और हियर इज अ बाइट। जो आलू का मसाला है ना भाई, वो इडली को इतनी जबरदस्त किक देता है। इडली के अंदर कड़ी पत्ता और राई का फ्लेवर आ रहा है, सोचो तो, आलू की वजह से। तो इसका फ्राइड पार्ट है ना, कमाल है। 2-3 चीजों का मिक्सचर हो गया है। वड़ा पाव का फ्लेवर भी आ रहा है, राई और कड़ी पत्ता की वजह से, और ऊपर बेसन की वजह से इडली का फ्लेवर है। और भाई साथ में नारियल चटनी और सांभर, कमाल है। नाश्ता जबरदस्त है सर। 45 का है, 40 रुपीज का है भाई, 40 रुपए में बढ़िया नाश्ता। यहाँ पे आके ट्राई करो, हम आगे चलते हैं। भाई साहब, अभी पुणे में हम आए मनमोहन चाट पे, जहाँ की चाट पापड़ी और मसाला क्या भी है? मसाला पापड़ी है भाई, बहुत ज्यादा कमाल। और यहाँ पे इस टाइम पे दोपहर में भी अगर आप मेरे पीछे देखोगे भाई, आप बोलोगे हरिया इतनी भीड़ क्यों दिखा रहा है हर जगह। भाई यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, इसलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, हर दुकान में भीड़ है। और पुनेरी लोग जो है ना, वो मुझे लगता है खाने के बहुत शौकीन है। जहाँ भी बढ़िया जगह हम जाते हैं, वहाँ पे पूरी भीड़ होती है। आपको दिखाते हैं मसाला पापड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास। सर ये क्या लगा रहे हैं आप? ये मसाला पापड़ी है सर। आपके बारे में मुझे आपके बेटे ने बताया कि काफी 60 साल पुरानी दुकान है। हाँ जी। तो 60 साल से चाट और पापड़ी और ये पानी पूरी ये सब लगा रहे हैं आप? ये देखो भाई, इसके ऊपर ऑलरेडी एक 2 चटनियां लगा दी, ऊपर दही आ गया। अब आएगा ये मसाला। ये मसाला है, ये नमक है। हाँ, ये नमक और लाल मिर्च, ये हमारा मसाला है। और ये इधर मसाला आ गया, ये आ गई सेव, ऊपर से सेव। अरे वाह, ये थोड़ी बारीक सेव। अच्छा, बारीक सेव भी है, 2 तरीके की सेव आ गई। कांदा, ये ऊपर से कांदा। भाई जबरदस्त, आपके पिताजी ने शुरू किया था? हमारे चाचा थे। आपके चाचा। और ये आ गई इमली की चटनी है जी। हाँ, ये इमली की चटनी। और ये आपकी मसाला पापड़ी जो है वो रेडी है। और ये कितने का है? 50 का। हम क्या करते हैं, डिशेस में यही पे इसमें देते हैं। अच्छा, और पार्सल जो होते हैं वो हमारे से। अच्छा, वो बोल में देते हैं। अरे वाह, बढ़िया फ्रूट है, ये तो बकेट है। तो ये बढ़िया, मैं ऊपर आ सकता हूँ सर? हाँ जी बिल्कुल आइए जी, दिखाइए सर। एक में समोसा, एक में कचौड़ी। तो अभी भाई साहब आपको दिखाते हैं स्पेशल समोसा चाट बना रहा। समोसा चाट जी बनाइए सर। तो भाई साहब पहले तो समोसे को क्रश कर दिया अच्छे से, और इसके अंदर आलू है और यह पनीर वाला समोसा है? नहीं, आलू मटर का। आलू मटर का समोसा है भाई। और ये देखो इधर से रगड़ा। हाँ, ये मटर का रगड़ा। अरे वाह, ये मटर का रगड़ा है भाई, जबरदस्त पानी पूरी वाला। कमाल। अब आएगा ऊपर मसाला। इसके ऊपर सब मसाला आएगा, नमक, लाल मिर्च और साथ में गरम मसाला। ये हरी चटनी हमारी, हरी चटनी पुदीने की है। हाँ, ये देखो भाई, ये हरी चटनी और ये जबरदस्त आपका आएगा इमली की चटनी। ये इमली की चटनी भी, और ये समोसे की चाट रेडी है। हाँ जी। वाह, थोड़ा चाट का पानी। अरे भाई ये तो एकदम लिक्विड चाट है। हाँ, ये आ गया दही। ये दही ऊपर सेव। भाई साहब सेव तो महाराष्ट्र की फेवरेट है। आगे कांदे, ऊपर से कांदे जी। और ये चम्मच पे भी मनमोहन चाट लिखा है, क्या बात है। ये कितने की है सर दोनों? 60 रुपीस का हर पर प्लेट है। चाट 60 रुपीस का है जी, बस सिर्फ मसाला पापड़ी जो अपना स्पेशल है 50 रुपीस में, वो 50 का है। और यहाँ लोकेशन क्या है अपना? ये भवानी पेट में रामोशी के जी। और टाइमिंग? गणपति के बाद। अच्छा, सिद्धिविनायक गणपति के बाद। गणपति मंदिर है उसके पीछे। ये देखो भाई, इधर गणपति मंदिर है उसके एकदम पीछे, उसके बाजू से ही, और ये तब से है। अरे वाह, क्या बात है। तो उन्होंने भी चाट से शुरू किया था? 4-6, 4-10 रहता है टाइमिंग, 4-10 है। ठीक है, बढ़िया। मैकडॉनल्ड्स की स्क्रीन्स पे आपने ऑर्डर किया होगा, और बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स है, अमेरिकन रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे आपने स्क्रीन से ऑर्डर किया होगा। हमारे भारत में पूना में एक चाट की दुकान है जहाँ पे आप स्क्रीन से ऑर्डर कर सकते हो। और भाई पूना टॉप 5 में आता है, किसमें आता है? टॉप 5 में इन एजुकेशनल और उसी के साथ IT हब। हाँ, दोनों में टॉप 5 में। भाई साहब एग्जाम्पल दिखाऊँ? ये देखो, ये पीछे जो स्क्रीन है, आप यहाँ पे स्ट्रीट फूड चाट, भाई चाट यहाँ पे स्क्रीन देख के ऑर्डर कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस करना होता है, तो आप जब आते हो तो आपको टोकन मिलता है। लाइक आपने मुझे बोला कि अगर रगड़ा पूरी खाना है जी, तो रगड़ा पूरी प्लेस होगा, सेव होगा, उसका प्रिंट आउट आएगा। तो भाई साहब ऑर्डर भी जब आप करोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद
ये लो भाई आपका पर्ची रेडी, और ये दो अंदर अभी प्रोसेस कर रहे हैं। ये 21st सेंचुरी का पुणे, 21st सेंचुरी का भारत है भाई। भी ये दही कचौरी भी बनेगी भाई, ये देखो ये कचौरी के अंदर ये जगह बना के, और ये रगड़े का जो लिक्विड है, जो ग्रेवी है, वो आ गई है, और इसके साथ ये इमली की चटनी। सर ये दाल की कचौरी है, आलू की है? दाल की कचौरी है, दाल की कचौरी है, जबरदस्त। और इसके साथ ये चटनी पुदीने की। हाँ जी, फिर ये दही, फिर ये अंदर दही। अरे वाह, हल्का सा मसाला, हल्का सा ये मसाला। अभी आ गई सेव, ये सेव भाई जबरदस्त। और ऊपर से ये कांदा, कांदा जी। अभी इसको मैं काट लेता हूँ। इसको काटते हैं जी। ओ भाई, खाने को सेफ्टी रहे। जी जी जी, खाने को थोड़ा आसान रहेगा और ऊपर नहीं गिरेगा। लो भाई ये दो पीस रेडी, और सब कुछ जो है आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेगा। 30 से लेके शुरू 30 से होता है, 25 to 90 rupees 25 टू 90 में सब कुछ मिल जाएगा। और हर कुछ चीज जो भी है ना फैक्ट्री में बनता है, पानी पूरी की जो पूरी है ना फुल्की जी, वो भी खुद का मेन आउटलेट है। अरे वाह, उसमें बनता है सब कुछ। क्या बात है, से लेके हर चीज, बाहर से कोई भी चीज नहीं आती। जबरदस्त भाई, बहुत कमाल लग रही है ये। और अभी हम ट्राई करते हैं भाई साहब। ये जो कचौरी है इसको वड़ा पाव की तरह खाना है, और कचौरी एकदम लोडेड है भाई साहब, जबरदस्त है। और इतना हैवी ड्यूटी नाश्ता करने के बाद भाई ये कचौरी जो चटपटी है ना, थोड़ा माहौल और डाइजेशन जो है वो तो बढ़िया कर देगी। क्यों भाई, ओ इसमें जो रगड़ा है ना, इतना जबरदस्त पानीपुरी का फ्लेवर दे रहा है, धमाल। जो चटनियाँ हैं भाई, एक दूसरे को इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पुदीने की चटनी साथ में इमली की चटनी है, ऊपर दही और कांदा है, और सेब के क्रंच ने समा बांध दिया। बहुत स्वाद है यार, मज़ेदार है। 60 साल से चल रहे हैं कि दादाजी ने शुरू किया था, और पुणे में चाट का मज़ा लेना है तो यहाँ पे आना। हाँ भाई, क्रंच एकदम जोरदार क्रंच है, कांदा है, हरिया धनिया है, और सेब और पापड़ी का क्रंच, क्या जबरदस्त है। ऐसा अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है तुर्बानपुर डाइनिंग हॉल, और यहाँ पे हम खाने आए हैं ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली। और भाई ये पीछे आप भीड़ देख रहे हो, आज चतुर्थी है, उसकी वजह से उपवास चल रहा है लोगों का, यहाँ पे वैसे भीड़ लगती है। भाई आप मेरे लिए बहुत लकी हो, आपकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ हमें भीड़ आज कम मिली है। तो आपको दिखाते हैं, इनके ओनर से मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या स्पेशल। हमारे साथ हैं जी निरंजन जी, जो कि इस जगह के ओनर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। पहले तो ये बताइए कितनी पुरानी जगह है? 23 years old 23 years? यस। अरे वाह, और यहाँ पे आप क्या लगाते हैं? थाली जी, जो महाराष्ट्रीयन थाली रहती है। अच्छा जी, उसमें थोड़े से हमारे आइटम थे, जैसे कि फेमस थाली पीट, दही वड़ा जी, और बहुत जैसे स्वीट्स रहते हैं। अच्छा, आमरस का अम्बा, मैंगो के सीजन में हमारे यहाँ आमरस रहता है। अच्छा, उसके लिए बहुत भीड़ रहती है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी एक बार दिखाएंगे थाली प्रिपेयर कैसे होती है, एक बार किचन दिखाएंगे। भाई साहब इधर देखो, ये सब्जियाँ जो है, इधर नारियल है, और इधर ये छल्ली है, ये भुट्टा, इसको क्लीन कर रहे हैं, और इसका आटा बनाएंगे आप? फॉर फरसान। अच्छा, फरसान के लिए? फरसान के लिए। और इधर क्या बन रहा है? ये थाली पीठ हमारा, ये इधर थाली पीठ बन रहा है जी, जबरदस्त यार। ये हाई प्रोटीन रोटी होता है ना? हाई प्रोटीन, राइट जी जी जी। थाली पीठ बासी रखे है, इट्स आर प्रोडक्ट ओनली। इधर ये आटा है, ये इनका खुद का आटा है, उसको इधर मिक्स करके प्याज वगैरह डाल के, और फिर तवे के ऊपर डालते हैं ऐसे, और थाली पीठ जो है वो बन जाती है। आम को चतुर्थी। अच्छा, तो पूरन पोई रहेगी जी, पूरन पोई के साथ इसको कटाची आमटी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या चीज होती है? ये ऐसा दाल जैसा रहता है, लेकिन वो आमटी स्पाइसी। अच्छा, तो वो पूरन पोई के साथ खाया जाता है। कटाची आमटी है भाई ये, और दाल जैसा रहता है बट स्पाइसी होता है भाई, एक तरह से जैसे जैसे मिसल का वो होता है रस्सा, वैसा ही है। येस, येस, येस। भाई जैसे जी, जैसे मिसल का रस्सा होता है वैसा चीज़ है, बट इसका टेस्ट अलग होता है। और इधर पापड़ है। अरे वाह, मैं ना सोच रहा था अभी इतनी ज़बरदस्त खुशबू किधर से आ रही है, तो मैं वो ढूंढ रहा था कहाँ से खुशबू आ रही है। खुशबू पता कहाँ से आ रही है भाई? यहाँ से। ये देखो ये मसाले हैं, ये खड़े मसाले जो हैं, इसको पीस रहे हैं, इनका पाउडर बना के फिर हर सब्जी में, हर डिश में यूज़ किया जाता है। बहुत कमाल लग रहा है यार। आपको दिखाते हैं सर्विंग किचन, हम भाई के पीछे पीछे जा रहे हैं, बट भाई जो भीड़ है यहाँ पर कमाल है यार। और आप अभी सोच रहे हो कि चश्मे क्यों लगा रखे हैं भाई, ये विजन ग्लासेस हैं, मैं दूसरे वाले लेके नहीं आया था, अभी इसके बिना दिखेगा नहीं। ये भी हमारा स्पेशल आइटम है, दही वड़ा। दही वड़ा भी है? अरे वाह, इधर देखो सोफिया
रहता है जी। ये पानी में सोख किया है, मीठा दही में डाल के देते हैं। और भाई और क्या है सर? भाई साहब ये देखो, इधर फ्रूट सैलेड भी है। वाह, सुरईची वड़ी। अच्छा, ये हांडवी जैसा है? यस यस राइट भाई, ये हांडवी तड़का किया था वही था इस पे। भाई साहब सुरईची वड़ी है ये, और ये हांडवी जैसा है। थाली रेडी हो रही है जी? उपवास की भी थाली रहती है। अच्छा, उपवास की भी थाली है आज? ये उपवास की थाली है भाई। क्या है? वरण। वरण वरण दाल। दाल महाराष्ट्रीयन दाल रहता है। ये महाराष्ट्रीयन दाल है, इसको वरण कहते हैं। जबरदस्त लग रही है यार, क्या बात है। ये उसल है। उसल? उसल स्प्राउट्स की सब्जी। स्प्राउट्स की सब्जी है भाई, वाह वाह वाह। मटकी उसल है ये। ओ हो 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 हो, क्या बात है, क्या बात है। मटर पनीर भाई साहब, ये इधर मटर पनीर भी है इनके पास, बहुत जबरदस्त। ये इधर है जी गोभी की सब्जी। गोभी बटाटा, अरे वाह, गोभी बटाटा। और ये पीला बटाटा। पीला बटाटा और साथ में दाल है। यस दाल है, साथ में दाल है। और भाई इधर ये राइस है। राइस तो आपको थाली। अच्छा, ये मसाला भात है, एकदम जबरदस्त। इस पे अभी थाली में कोकोनट और कोरिएंडर के साथ सर्व करेंगे, और ऊपर से घी डालेंगे। अरे वाह। अच्छा, चपाती और ब्रेड यहाँ पे पूरी बन रही है। इधर कंटिन्यूस 3 बजे तक चालू रहेगा यही, ऐसा पराठे और रोटियां जो है वो सेक रहे हैं, और सब जो है माँ के हाथ का खाना खाएंगे। थाली है वो लगाने के लिए सर आ चुके हैं, और दिखाइए सर क्या डाल रहे हैं। ये मटर पनीर है। ये सबसे पहले तो मटर पनीर है भाई थाली में। मटकी है। ये मटकी भाई, ये स्प्राउट्स की सब्जी है ना? ये मटकी है भाई, इसको सैंपल भी कहते हैं। और ये क्या है? गोभी। अच्छा, गोभी बटाटा। ये गोभी आलू की सब्जी है। ये अकेले आलू की सब्जी है भाई, बटाटा ये इसमें आलू अकेला है भाई। फ्रूट सैलेड, अरे वाह भाई क्या बात है, जबरदस्त लग रहा है, एकदम गाढ़ा, कमाल। अरे भाई ये डालो और भर भर के। श्रीखंड है भाई, ये थोड़ा और दे दो। अरे यार, इस श्रीखंड को खाने के लिए तो महाराष्ट्र आए। ये देखो इधर साथ में चटनियां, और ये कौन सी अचार है? ये आम का ही अचार है। अच्छा, स्वीट वाला है। ये मीठा आम का अचार है। ये मीठा है, ये स्पाइसी है, और इधर ये मूंगफली की मूंगफली है, पीनट्स, ये सिंग दाना सी चटनी है, और ये है पुदीने की चटनी, और उधर ये कोकोनट की चटनी है। ये कोकोनट की चटनी है भाई, और साथ में नमक है। और भाई इधर ये दही वड़ा, ये है मेन आइटम दही वड़ा, कमाल यार, एकदम गाढ़ी दही है मीठी, और साथ में वड़ा है, और भाई लाल मिर्च है। बढ़िया थाली दिख रही है। हाँ, के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। अभी जैसे फुल हो जाएगी फिर शुरू करते हैं, है ना? ये थाली पीठ। ये अच्छा, ये थाली पीठ है। जी जी जी, आप बता लो। ये इधर भाई 2-3 चीजें और है फरसान में। ये खांडवी की महाराष्ट्रियन सिस्टर है ना, सुरोईची वड़ी। ये सेव पूरी आ गई है, एक ही रखिए। ये सेव पूरी जबरदस्त। ओ भाई, ये कहाँ प्रैक्टिस किया भैया? ये सबका कोड़वड़ से। अच्छा, क्या था ये, क्या बोला आपने? पे मसाले बात रहता है। हाँ, ये फुलका आ गया। ये आ गया फुलका, वाह। भाई साहब मैं घर का खाना मिस कर रहा हूँ, तो मैंने फुलका मंगवाया है, और साथ में सब्जियाँ तो सारी घर की है, मटर पनीर है, और साथ में आलू पड़ेगी आपको। हाँ, ये थाली हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, 3 इडियट्स की तरह थोड़ी जगह बनाते हैं, थोड़ी जगह बनाओ बनाओ। ये मसाला भात है। यस यस भाई साहब, ये मसाला भात आ गया, वाह। साथ में कांदा और हरिया धनिया और पनीर। अरे वाह, कोकोनट और हरिया धनिया भाई, और साथ में ये घी। अरे वाह, और ये आगे प्लेन राइस भाई, सबके फेवरेट, बासमती है ये, एकदम प्लेन बासमती राइस है, जबरदस्त। दाल, दाल। अरे भाई जबरदस्त यार, क्या प्यार से खिलाते हैं यहाँ पे। देखो पूरी थाली भर गई है, इतनी बड़ी थाली जंबो, और इसको परोसने का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, उसकी वजह से भूख और बढ़ गई है। ये हम सबसे पहले तो ना रोटी के साथ बाइट लेते हैं। ये भाई साहब मटर पनीर है, हिस बाइट। मटर पनीर की गाढ़ी ग्रेवी है यार, और महाराष्ट्रियन मसाले। मुझे हल्का सा सौंफ का फ्लेवर आ रहा है, सौंफ भी डलवाते हैं आप इसमें। सौंफ है मसाले में। श्रीखंड के साथ रोटी खाओ। श्रीखंड के साथ रोटी? हाँ, नहीं रोटी भी अच्छा कॉम्बिनेशन है भाई साहब। मुझे बोला गया है कि श्रीखंड के साथ रोटी खानी है, तो ये देखो ये एकदम गाढ़ी श्रीखंड, ये डोलप। ओ हो 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 हो, ओ भाई ये तो लोणी जैसा लग रहा है ना। खीर से भाई, क्या कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है भाई यहाँ पे। ये गोभी आलू एंड भाई यहाँ पे गोभी आलू में भी राई है, अपने वहाँ ऐसा नहीं होता है ना, अपने वहाँ राई नहीं डालते भाई साहब। ये है वो असली आइटम जिसकी वजह से थाली एकदम स्पेशल हो जाती है, दाल भात। श्योर इज अ बाइट।
इसमें हींग है सर, हींग डाल रखी है। ओह ये कमाल है भाई, ये थाली ख़त्म करने के बाद ना मैं एक प्लेट दाल और ये चावल खाने वाला हूँ, बहुत कमाल है। एकदम घर के खाने की याद आ गई। आज तकरीबन अपने शायद 40 दिन होने वाले बाहर निकले हुए, इतना मन कर रहा है घर का खाना खाने का, और यहाँ पे आके ये महाराष्ट्रीयन घर का खाना खा के मज़ा आ गया है। भाई साहब इसमें अगर मैं आपको बोलूँगा कि दो चीज़ें रीफिल कराओ, एक तो है वो श्रीखंड, श्रीखंड के साथ पूरी खाओ दबा के पेट भर के, और साथ में दाल भात, कमाल है, आपके मज़े आ जाने। आपने कहना है भाई हरिया तू कमाल है यार, ज़बरदस्त है। मैं ये थाली ख़त्म करता हूँ और आगे चलते हैं। भाई हमने 30 शहर बोला था, ऑलरेडी 2 शहर एक्स्ट्रा हो गए अपने मैप के अलावा। अपने मैप में था मुंबई टू गोवा, और मुंबई टू गोवा के बीच में हमने एक पुणे और कोल्हापुर दोनों ऐड कर दिए, और इसके बाद और बहुत सारे शहर आने वाले हैं। भाई आपका अपना हरिया अगर कहता है ना कि भारत का सबसे बड़ा फूड ट्रिप होने वाला है, तो ये सच बात है, हम ये प्रूव करके रहेंगे। चाहे जितना मर्जी थक जाए, चाहे जितना मर्जी लेग्स दुखे, आंखें दुखे, सर दुखे, बट हम हार नहीं मानेंगे। हम यहाँ पे कॉनराड पुणे में है, और भाई पूरी रात कल नींद नहीं आई। जो एसी है ना, इसका एसी का फ्लो है सिर्फ इस तरफ, सिर्फ इतनी एरिया में, और भाई हम ना पूरी रात मतलब इधर उधर पासे परतते रहे, ऐसी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। पूरी रात एसी जो है चला ही नहीं, हमने कंप्लेंट किया, कॉल किया भाई एसी चला दो, उन्होंने बोला सर हम भेज रहे हैं किसी को, जिनको वो भेजते थे वो आते थे, वो बोलते थे सर ठंडा हो जाएगा हो जाएगा। पूरी रात हम 3 बजे तक, हमारा हैप्पी न्यू ईयर ऐसे हुआ, 31st की नाइट हमारी ऐसी बीती है। फर्स्ट के दिन को कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, नींद पूरी नहीं हुई है तब भी हमारा जो काम है वो आगे बढ़ता रहेगा। व्यू बहुत सुंदर है यहाँ से, अगर आप देखो ये 9th फ्लोर इस होटल का, और यहां से ये देखो मुंबई पुणे की स्काईलाइन दिख रही है, और ये किसी ने अपना टेरेस बड़ा सुंदर सजा रखा है, रात को बड़ा अच्छा पार्टी कर रहे थे, और इधर से आपको शायद पूल दिख जाएगा। ये सारा सामान जितना भी है देखो, ये मैंने पैक वैक कर लिया है सारा कुछ, तकरीबन जो आज वाली वीडियो वो चल रही है 5:30 हो गए भाई, लेट हो गए यार बहुत ज्यादा, अभी निकलते हैं सीधा। हमने ना अभी भाई कोल्हापुर पहुंचना है, और 6 बजने वाले हैं, आज फिर से लेट हो ही गए ना। मेरा प्लान था आज, पूरा मन था, मतलब मैं सोच रहा था कि आज पूरा टाइम से पहुंचेंगे कोल्हापुर, 11 बजे का अराइवल बता रहा है अभी, तो मैंने फोन में डालना भी है सारा कुछ, अभी करना है वो, तो चलो डालते हैं अभी। ट्रैफिक इतना खतरनाक है कि पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये इतना सा लाल जो पैच है, इसको निकाल नहीं निकल पाएगा तब भी, वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं वहाँ पे। ये इतना सा पैच है मुंबई पुणे बाईपास रोड जो है उसको कनेक्ट करने के लिए, और वो भी पूरी येलो रखी है पता नहीं क्यों। और भाई साहब गाड़ी ना अभी चलेगी 275 किलोमीटर, वैसे तो अपनी जो डेस्टिनेशन है वो 229 किलोमीटर ही है। एक डबल लेन है, और इस इधर देखो ये इधर एक इनोवा खड़ी है ये इसके आगे, और इसकी वजह से पूरा जाम लग गया है, और पिछले आधे घंटे से हम यहीं पे खड़े हैं। लिटरली एक टाइम लैप्स बन सकता है आधे घंटे का, और कुछ भी मूव नहीं कर रहा, सब तरफ से स्कूटर ट्रैफिक सब जगह से जाम है। रोल जाने वाला है इसके अंदर, और आज महाराष्ट्र वाले प्राइसेस चलेंगे। कितने का है? 106.07। और करिए सर शुरू, चालू पेट्रोल ना? हाँ हाँ पेट्रोल। हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई साहब अभी न्यू ईयर का पहला पेट्रोल टैंक जो है वो फुल कराने वाले हैं, मुझे लग रहा है तकरीबन 5,000-5,500 का आना चाहिए, क्योंकि 25% जो है वो गाड़ी में तेल था, और 75% भरेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक लग रही है आपको? पक्की बात है? पूरा खुश हूँ। अरे बढ़िया। आपका नाम सर? हेमंत कुमार साउड़ी साहब। हेमंत जी, हेमंत जी को गाड़ी पसंद आई है। अभी ये कौन सा शहर आया है? ये पुणे का। पुणे ही है? अच्छा अच्छा। गाड़ी सब तरफ से एकदम गंदी हो रखी है यार, बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, इसको अब अच्छे से साफ कराएंगे होपफुली। मुझे लग रहा है गोवा में हम इसको क्लीन कराएंगे भाई, बहुत गंदी हो गई है यार। ओ हो, इधर देखो ये देखो खलेपड़ जम गए मिट्टी दे, बट इसको वॉश कराना भी ना एक थोड़ा सा वो सीन है, क्योंकि मैं बताऊं क्या हो रहा है, वो जो हमारा जो ये रैप हुआ है ना, ये रैप की क्वालिटी आपको पता ही है, मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये रैप की क्वालिटी महारद्दी कर दी उन्होंने, तो उसकी वजह से ये पूरा बबल हो रहा है, तो इसको वॉश कराने टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 6,300। ओ भाई
बस यार 60 लीटर हो गए, बस मेरे बस कर भाई, इतना पी गई है। आपको पंजाबी समझ में आती है? अरे हो गया हो गया भाई साहब, 666.50 62 लीटर तेल आया है और महाराष्ट्र का फ्यूल भी हमने डलवा लिया इसमें। पहले इसके पहले गुजरात से डलवाया था, तो अभी ये हो गई जी बंद। और भैया वीडियो बना दिया, पेमेंट तो नहीं चाहिए ना? पक्की बात है कि करना पड़ेगा। मोदी जी, अरे वाह, उनका कलर ब्लैक है, क्या कलर ब्लैक है, गाड़ी वही है। अरे वाह, कब देखा आपने? राजकमल है, उसका राइट का नाम है राजकमल, राजकमल में इसी गाड़ी लेके आ रहा है। अरे वाह, आपने देखा है? अरे वाह, क्या बात है, अब तो फिर डिस्काउंट है इस पे। थैंक यू थैंक यू। ये भाई लोग भी तो जॉब कर रहे हैं, इन्होंने भी तो हिसाब देना है सारा, है ना भैया? आपकी आपका नहीं है ये तो, जो मालिक है उनका है ना। आपने डिस्काउंट नहीं दिया, अगली बार देना। अगली बार गाड़ी की माइलेज होगी 9.6 फॉर 100 किलोमीटर, 817 किलोमीटर चलेगी और एवरेज स्पीड 30 की आ गई है और अभी हमने जाना है 205 किलोमीटर 3 घंटे 45 मिनट। अच्छा भैया थैंक यू। ऐसा मैंने ऑर्डर किया है मटन थाली, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि पुणे आओगे ना तो ये मटन बाखरी वाली जो कॉम्बिनेशन है जरूर ट्राई करना। सोनम आपने क्या ऑर्डर किया? चना मसाला एंड गार्लिक नान। ये आज की हमारी प्लेट, ये मटन है, ये साथ में रस्सा है और ये राइस है और ये भाखरी है। और जो मैंने देखा है और सुना है वो ये है कि भाखरी के ऊपर ऐसे डाल के लोग इंजॉय करते हैं, तो हम भी वही करते हैं भाई। प्योर इज अ बाइट, गर्मा गर्म है, एकदम जबरदस्त, साथ में रस्सा, ओहो हो हो, गर्म। बाकी यार जिसने रेकमेंड किया था ना, कमाल है, मजेदार है भाई। वाकई मटन भाकड़ी ना खाने वाली चीज है, अगर आप महाराष्ट्र आते हो तो ट्राई करना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ का जो मिसल में जो रस्सा होता है ना भाई, उस रस्से को सोचो मल्टीफोल्ड, मतलब और बेटर, मच बेटर करके मीट के साथ सर्व करते हैं और साथ में बाखरी, बहुत स्वादी। ऐसा कह रहे हैं कि कोई स्ट्राइक होने वाली है, अभी हमें हाईवे पे ही पता चला है, 2-3 पेट्रोल पंप जो है वो हमने देखे बहुत ज्यादा भरे हुए थे। मैंने सोचा वैसे तो टैंक अभी फुल कराया ही था, बट क्योंकि हमने तो कन्याकुमारी तक जाना है और पता नहीं कि कब कितना लंबा स्ट्राइक चले, तो हम अभी ना टैंक फुल और एक बार करा ही लेते हैं। भाई साहब ये कराना जरूरी था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर 4-5 दिन भी स्ट्राइक चली तो अपनी ट्रिप खराब हो जाएगी। अभी मुझे लग रहा है 1000 रुपए का 1000 के आसपास पेट्रोल आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, पर 1000 रुपए का पेट्रोल भी ना, मतलब लास्ट मिनट पे जब सीन होते हैं ना तब बड़ा इम्पोर्टेंट प्रूव होता है। अभी देखो ये इतना सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है और बोलने को तो ऑलमोस्ट 703 किलोमीटर चलेगी, 13 लीटर पेट्रोल और आ गया और अभी ये ना लास्ट मिनट पे क्रूशियल होता है। अभी बस एक बार चेक कर लेते हैं कि मतलब, क्योंकि ना मुझे ये डाउट है कि फुल हो गया हो। हाँ अभी फुल है एकदम और 100% टैंक फुल हो गया है और इसमें चलेगी 843 किलोमीटर। रात के 12:30 बज चुके हैं और हम पहुंच गए सयाजी और भाई प्रॉपर्टी तो सुंदर लग रही है, अभी देखते हैं। एंट्री इधर से ही है, रूम नंबर 812 है और 12:40 हो रहे हैं। बट भाई साहब आज सच्ची थकान नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि आज बहुत सारा काम करूं। तो आज फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, पहली तारीख है और मैं आज एडिट करने वाला हूँ और पूरी रात आज एडिटिंग चलेगी। सुबह 2-3 घंटे सोऊंगा, उसके बाद फिर से शूट करने निकल जाऊंगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्यों? और शूट भी करना, मुझे कोल्हापुर का कंटेंट, मुझे कोल्हापुर में बहुत सारा खाना खाना है। ओ भाई ओए, क्या बात है, ओ भाई 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 क्या बात है, रूम का साइज, ओए और इधर देखो व्यू कैसा है, पहले तो व्यू देखते हैं बेसिक। हाँ मतलब कोल्हापुर का व्यू है। बैग यहाँ पे रख के ना सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा रूम टूर देता हूँ। बेड बड़ा है यार, काफी बड़ा है बेड, कवर भी ठीक लग रही है, इसकी लाइट वाइट नहीं चल रही है। सर आगे आइए, सर आइए। हेयर ड्रायर भी है भाई, बाल सुबह अच्छे से कर लेंगे। वॉशरूम थोड़ा छोटा है, वॉशरूम का साइज थोड़ा छोटा है, मतलब ठीक समझिए ना, एक गेट हो गया ते दो गेट हो गया ते तीन गेट ते साढ़े तीन गेट च बाथरूम खत्म हो जाता है।